नरेंद्र मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव में एक ऐसे नेता के तौर पर देखा जा रहा था जो भारत को सही मायनों में विकास के रास्ते पर लेकर जाएंगे। एक ऐसा नेता जो आज़ादी के 60 सालों से भी लंबे कांग्रेस राज की असफलताओं से परे भारत के करोड़ों लोगों को गरीबी से निजात दिलाएगा। जहां पिछले कुछ समय में GST, नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे विषय किसी भी और मुद्दे से ज़्यादा चर्चा का केंद्र बने हैं, अच्छे दिन आएंगे 2014 के लोकसभा चुनाव का सबसे पॉपुलर लाइन जिसे मोदी सरकार ने अपना टैगलाइन बनाया था। इस साल उस सरकार की 5 साल का सफर पूरा हो रहा है और अब ये सरकार 2019 के चुनाव के लिए वादा कर रही है। लेकिन क्या इस सरकार ने अपने किए सारे वादे पूरे किए? इस वीडियो के जरिए आज हम आपको बताएंगे कि मोदी सरकार ने 2014 के कौन कौन से वादों को पूरा नहीं किया और जानेंगे कि मोदी के 5 साल में की नाकामयाबी क्या रही हैं। सबसे पहले अगर बात युवा की करें तो प्रधानमंत्री ने युवा को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन ये मोदी की इस योजना को बड़े पैमाने पर असफल माना जा रहा है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न तकनीकी आंकड़ों में बढ़त और GDP में 7.5% की बढ़त तब तक बेमानी है जब तक उसका असर ज़मीन पर ना दिखे, जब तक कि आम लोगों के जीवन के स्तर में कोई सकारात्मक बदलाव ना आए, खासकर कि युवाओं के जीवन में। अगर बेरोजगारी की बात करें तो 2011 में 3.8% की बेरोजगारी की दर 2017 में बढ़कर 5% हो चुकी थी। ILO के नए अनुमान के मुताबिक साल 2018 में बेरोजगारी दर 5.5% बताया जा रहा था। उसके बाद अगर हम बात करें मुद्रा योजना की तो सरकार की माने तो इसे वो पूरी तरह से सफल बता रही हैं, लेकिन जब लोगों से बात किया गया तो पता चला कि इस योजना के तहत लोन पाना इतना आसान नहीं है जितना कि कागज पर दिखता है। इतना ही नहीं, कई जगहों पर भ्रष्टाचार भी हो रहा है। प्रधानमंत्री को इस बात पर गौर करना होगा कि जो योजना घोषित होती है वो सही से लोगों तक पहुंचे और उसका फ़ायदा भी उन लोगों को मिले। अगर 2014 के लोकसभा चुनावों से PM मोदी के भाषण को सुने तो चुनावी रैलियों में PM मोदी का एक भी भाषण ऐसा नहीं होता था जो बिना काले धन के जिक्र के संपन्न हो जाए, लेकिन आज हकीकत सबके सामने है। PM मोदी अपने भाषणों में कहा करते थे कि उनकी सरकार जब सत्ता में आएगी तो विदेशों में जमा भारतीय लोगों का काला धन वो ले आएंगे और यह काला धन इतना अधिक होगा कि सरकार हर व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए देगी। आज मोदी सरकार के 5 साल पूरे हुए हैं, लेकिन आज ना तो विदेशी काला धन वापस आया ना ही किसी को 15 लाख रुपये मिले। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी जैसा ऐतिहासिक फैसला काला धन और भ्रष्टाचार खत्म करने के मकसद से किया था, लेकिन ना तो काला धन खत्म हुआ और ना ही भ्रष्टाचार में कमी देखने को मिली। नोटबंदी की विफलता का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक भी कह चुका है कि मार्केट में मौजूद पुराने नोट करीब 99% वापस आ चुके हैं। प्रधानमंत्री ने काफ़ी उत्सुकता के साथ नमामि गंगे प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया और इसके लिए उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए का बजट दिया, जिसमें से सिर्फ 1,836 करोड़ 40 लाख रुपए ही खर्च हुए हैं। मोदी सरकार ने सत्ता में आने से पहले काफ़ी ऊंचे स्वर में कहा कि उनकी सरकार सत्ता में आने के बाद नक्सलियों का सफाया कर देगी, लेकिन बीते साल अप्रैल में छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक साथ 25 CRPF जवान शहीद हो गए, जिसमें हमारे जवानों ने अपनी जान गंवाई है। मोदी सरकार ने ये भी वादा किया था कि पेट्रोल डीजल में कमी लाएंगे, लेकिन आज के हालात इससे बिल्कुल अलग हैं। सत्ता में आने से पहले अपने 2 सबसे बड़े हथियार जो कश्मीर मुद्दा और पाकिस्तान रहा करता था, लेकिन अगर बीते समय को देखा जाए तो कश्मीर में पत्थरबाजों का आतंक और भी बढ़ गया है। अगर बात कौशल विकास योजना की करें जिसे सरकार ने युवाओं को अलग अलग क्षेत्र में ट्रेनिंग देने के लिए किया था, उसे भी पूरी तरह से फ्लॉप बताया जा रहा है। इस योजना के तहत जिन लोगों ने दूसरों को रोजगार देने के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोले वो आज खुद ही बेरोजगार होने की हालत में आ गए हैं। अब 2019 का इलेक्शन आ चुका है, सरकार फिर से कई वादे करेंगी, लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या सरकार अपने ही किए गए वादों को पूरा कर पाएंगी या पिछली बार की तरह ये सिर्फ कागज और सर्वे तक ही सीमित रह जाएगी।
धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।